इस जघन्य हत्याकांड में डबल मर्डर में हमने एक मुलजिम के अरेस्ट करके उसके खिलाफ जो है अभी कार्रवाई करके हम कल सुबह उसको रिमांड पुलिस जुडिशियल रिमांड है उसको हम भेजने जा रहे हैं। उसका नाम जो है राकेश गोपाल मिश्रा है जो इस घटना में मुख्य अभियुक्त है और जिसने 315 बोर की जो राइफल है उसका इस्तेमाल करते हुए दोनों मृतकों को जो है फायर किया, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। आज हमने दो अन्य जो एफ आई आर में नेम्ड हैं शुभम और शिवम उनको भी हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ हम लोग कर रहे हैं और उस पूछताछ करने के बाद कुछ चीज़ों को देखने के बाद कल तक उनको भी हम तथ्यों के आधार पर कल तक उनको भी हम गिरफ्तार करते हुए जो रिमांड की कार्रवाई होती है उसमें सर जांच में कितने असले पाए गए हैं पूरे परिवार में? जांच में तो इनके घर में 6 असला है और उसमें राकेश के नाम पर जो है 2 है, उसके धर्मपत्नी के नाम पर 1 है और इसी प्रकार से जो राजेश है जो पुलिस विभाग में एसआई है उसके नाम पर 2 है, 1 बंदूक है 1 रिवॉल्वर है और इसी प्रकार से धर्मपत्नी के नाम पर उस परिवार में 6 असले हैं। सर जिससे गोली चली है वो किस किसके नाम की है? जो अभी तक हमारे पास फैक्ट सामने आया है वो राजेश जो होगा जी हमारे पुलिस विभाग में उनके